इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की शुरुआत 31 मार्च से होने जा रही है। दरअसल आईपीएल 2023 का ओपनिंग मैच डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस और चार बार की खिताब जीत चुकी चेन्नई सुपर किंग के बीच होगा। यानी कि सीजन के पहले ही मैच में हार्दिक पांड्या का सामना अपने उस्ताद यानी कि महेंद्र सिंह धोनी से होने वाला है। ये धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन भी हो सकता है। दरअसल माही पहले ही कह चुके हैं कि वो होम ग्राउंड पर खेलकर आईपीएल को अलविदा कहेंगे और इस बार चेन्नई में भी सीएसके मैच खेलेगी। ऐसे में धोनी का ये आखिरी सीजन हो सकता है। धोनी को लेकर उनके पुराने साथी रॉबिन उथप्पा ने एक दिलचस्प खुलासा किया है। उथप्पा पिछले सीजन में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेले थे। दरअसल उथप्पा ने धोनी के खाने की अजीबोगरीब आदत के बारे में खुलासा किया है। दरअसल उथप्पा ने एक बातचीत के दौरान माही से जुड़े कई राज खोले। दरअसल उथप्पा सीएसके की तरफ से आईपीएल के दो सीजन खेल चुके हैं। दरअसल रॉबिन उथप्पा ने माही टाइम विद धोनी में उनके साथ बिताए वक्त को याद किया। उथप्पा ने धोनी की अजीब खाने की आदत का खुलासा किया। उथप्पा ने कहा, हमारा एक ग्रुप था जिसमें धोनी, सुरेश रैना, आरपी सिंह, पीयूष चावला, मुनाब पटेल जैसे खिलाड़ी शामिल थे। हम अक्सर खाने में दाल मखनी, बटर चिकन, जीरा आलू जैसी चीजें ऑर्डर करते थे, लेकिन धोनी खाने के मामले में बिल्कुल जुदा थे। वो बिना चिकन के ही बटर चिकन खाते थे, यानी कि चिकन की ग्रेवी से रोटी खा लेते थे। उथप्पा ने यह बताया कि अगर धोनी चिकन खाते थे तो फिर रोटी नहीं खाते थे। धोनी का ये खाने का तरीका भले ही अजीब लगे, लेकिन उनकी फिटनेस का यही राज था। उथप्पा ने इस शो पर चेन्नई सुपर किंग के साथ अपने पहले सीजन को लेकर भी एक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब मैं इस टीम में आया तो देखा कि सभी धोनी को माही भाई कहते थे, और जब उन्होंने धोनी से ही पूछा कि क्या उन्हें भी ऐसा करना चाहिए, तो धोनी ने कहा कि मुझे सिर्फ माही भाई बुलाओ।